हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 9 और हम लोग दाना में रुके हुए हैं। दाना में ये एक मंदिर था, यहाँ पे हम लोग रुक गए थे। उन मंदिर के आसपास कोई रूम था तो वो यहाँ पुजारी रहते हैं, उन्होंने खोल दिया था, इसलिए यहाँ पर हम लोग सो गए। काम चला लिया लेकिन सही था, 2 दिन से पिछले 2 दिन थे सही था, क्योंकि रात को सर्दी नहीं लगी एक तो, और आराम से नींद आ गई। हम लोग 8 बजे सो गए थे और अभी 9 बजे उठे हैं भाई, अच्छी खासी नींद आई मेरे को तो। और भाई सर्दी बहुत है फिलहाल, यहाँ पे बहुत सर्दी है। अभी फ़ोन भी 10% है, अभी बाहर जाके मंदिर में फ़ोन को चार्ज लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके का ये रूम था, यहाँ पे अनाज वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम दोनों सो गए थे। हमारा बैग देख सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई पैसा नहीं लगा। अगर आप लोग कभी आते हो मुक्तिनाथ देखने के लिए तो आप लोग दाना के इस मंदिर में रुक सकते हो। किसी से भी पूछोगे आप लोगों को बता देगा इजीली। और भाई अभी मैं जाने वाला हूँ, कोलगेट वगैरह ब्रश वगैरह करने वाला हूँ, उसके बाद ही मिलूँगा। और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है फिलहाल। और हाँ एक चीज़ और भाई, यहाँ पे अगर आओ आप लोग तो नेपाली सिम लो तो एन सेल की मत लेना, नमस्ते की लेना, क्योंकि भाई इधर है ना नमस्ते की सिम चलती है इस इलाके में। जैसे ही आप गांव में आओगे, मुक्तिनाथ की तरफ आते हो, अगर आपका प्लान है तो नमस्ते की सिम ले लेना, क्योंकि नमस्ते की सिम इधर चल जाती है, इधर एन सेल की सिम नहीं चलेगी। और एक चीज़ और, नमस्ते की सिम आपको सिटी में भी चल जाएगी, तो ये इजी रहेगा। मेरे से गलती हो गई, मैंने एन सेल की ले ली, अभी कोई बिल्कुल टावर नहीं है कल से। जैसे ही गाँव में एंटर हुआ उसके बाद कोई भी टावर मुझे देखने को नहीं मिला, उसमें एकदम बंद है। खैर कोई बात नहीं, अभी मैनेज कर लेंगे। ओके गाइस, आज निकलते हैं मुक्तिनाथ के लिए। कब तक पहुंच पाते हैं? यहाँ से 40 किलोमीटर और है अप्रोक्स, उसके बाद देखते हैं कितनी देर लगेगी। तो गाइस, पीछे जो सीन है, यहाँ से हम सीढ़ियों से आ रहे हैं फिलहाल। और फिलहाल यार माइक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही फ़ोन से हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही अभी देखते हैं तो ऐसा लगता है इनको कि भाई काफ़ी अमीर आदमी है, फॉरेनर हैं, तो भाई काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं इधर, और इधर साधन वगैरह की इतनी सुविधा है नहीं, तो नॉर्मली ऐसे ही रह रहा हूँ ताकि जो ऐसा ना लगे कि भाई जैसे खुद पैसे है ना, लिफ्ट वगैरह नहीं मिलेगी ऐसे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, और बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल, और काफ़ी शानदार मौसम हो रखा है। टाइम क्या हो गया होगा फ़िलहाल? 11 बज गए फ़िलहाल, और चल रहे हैं भाई सीढ़ियों से। यहाँ पे अन्नपूर्णा 3 दिख रहा है। ओ हाँ, फाइनली निकल पड़े हैं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। और अभी कितना और दूर होगा मुक्तिनाथ? अराउंड 40 टू 50 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर होगा यार, अभी 40 किलोमीटर और है। और भाई चल यहां रहे हैं से हम लोग अभी जम जाएंगे, विच इज़ अराउंड लाइक 35-30 किलोमीटर्स होगा यहां से, और फिर आगे से मुक्तिनाथ कुछ 10-15 किलोमीटर होगा। जमजम में बर्फ देखने को मिल जाएगी ना? हाँ, जमजम से आगे सारी बर्फ रहेगी, बर्फ ही बर्फ रहेगी उसके बाद। आज का मौसम क्लियर है यहाँ पे, इसका मतलब 2-3 दिन पहले अभी धूप वगैरह लगी हुई है, थोड़ी भारी बर्फ हुई होगी वहाँ पे, और कल भी यहाँ पे थोड़ा स्टॉर्म जैसा था। और भाई अभी सब ठीक लग रहा है यहाँ पे, अभी पैदल निकल रहे हैं बाहर, आसपास कोई नहीं है, दूर दूर तक देख सकते हो पूरा व्यू। झरने को काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला है मुझे, आप लोगों को भी दिखाता हूँ थोड़ा सा।
हो, ये देख सकते हो ये बर्फ़ का पानी, एक्चुअली बर्फ़ का पानी ऊपर से आ रहा है नीचे, और अभी नीचे से जाके नदी में मिल रहा है। फिलहाल क्या नेचर का बहुत मज़ा ले रहे हैं हम लोग, पैदल चल रहे हैं यहाँ से, मज़े आ रहे हैं बस। अभी लिफ्ट वगैरह नहीं मिली, काफ़ी देर हो गई यार। ये देख सकते हो वो जो पानी है ना ऊपर वाला, वो इस नाले से होके इस नदी में जा रहा है, इस नाले से हो रहा है और उस नदी में जा रहा है, और ये नदी काफ़ी दूर तक जाती है। वो जो मैंने आप आगे आप लोगों को दिखाई था वो वहीं तक जाती है, और बाकी यहाँ पे छोटे मोटे घर भी हैं इस साइड,